नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे रिटेनिंग वॉल के बारे में, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल कहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्यों किया जाता है, कितने प्रकार की होती है, ये अपन सब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रिटेनिंग वॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिटेनिंग वॉल इज़ ए स्ट्रक्चर दैट रिटेन होल्ड बैक एंड एनी मटेरियल यूजली अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग और eroding away. It is designed so that to resist the material pressure of the material that is holding back. यानी कि retaining wall, यानी कि ये जो ये wall है और ये किधर wall है, तो ये बीच में जो back filling बोलते हैं इसको, ये fill हुआ हुआ इसको, ये जो wall है ये क्या करती है, retain करती है, retain यानी पकड़ के रखती है उसको इधर की side, ठीक है। तो ये retain करके रखती है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, retaining wall, ठीक है। ये मेनली जैसे कोई ब्रिज बन रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड मकान बन रहा है ये, या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर रिटेनिंग वॉल यूज़ की जाती है, ठीक है। तो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग और इरोडिंग अवे, मतलब स्लाइडिंग को जैसे मिट्टी है, मिट्टी को बह के चली जाती है या फिर खिसक जाती है, वो स्लाइड ना हो इसलिए अपन रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक है, अपन बेसिक जो रिटेनिंग वॉल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर वन पे आते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, नंबर वन पे आती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल दैट रिलीज ऑन देयर ह्यूज वेट टू रिटेन द मटेरियल बिहाइंड इट एंड अचीव स्टेबिलिटी अगेंस्ट फेल्यूर, ठीक है। ये वो रिटेनिंग वॉल होती है जो उसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और एक ऐसी स्टेबिलिटी अचीव कर लेती हो कि फेल्योर ना हो उस मिट्टी के कारण, ठीक है। दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट स्टोन और इवन ब्रिक मशीनरी, ये कॉन्क्रीट से, स्टोन से और ब्रिक मशीनरी यानी कि ईंट वगैरह के, ईंट और मोटर को मिला के बनाई जाती है ये ग्रेविटी वॉल। इसमें यानी कि रेनफोर्समेंट नहीं यूज़ किया जाता है, सरिया यूज़ नहीं किया जाता है। दे आर मच थिकर इन सेक्शन, ये थिकर होती है यानी कि मोटी होती है, ठीक है, इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें अपन रेनफोर्समेंट नहीं करते हैं और ये खुद के वेट से उसको झेल लेती है, और खुद के वेट और स्ट्रेंथ के कारण ये मिट्टी को बाहर नहीं फेंकती, संभाल के रखती है, रिटेन करके रखती है ये वाली वॉल। ज्योमेट्री ऑफ दिस वॉल्स ऑल्सो हेल्प देम टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, इसको जिस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी ज्योमेट्री जो बनाई जाती है वो भी उसको हेल्प करती है स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। मास कॉन्क्रीट वॉल्स आर सुटेबल फॉर रिटेन हाइट्स ऑफ अप टू 3 मीटर, ये वॉल ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल सिर्फ 3 मीटर तक के लिए बेस्ट रहती है, यानी कि 3 मीटर की हाइट के लिए, ठीक है। अपन ग्रेविटी वॉल पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सॉरी, ग्रेविटी वॉल इस प्रकार की होती है, ठीक है, ये मोटाई दिख रही होगी आपको, ये ग्रेविटी वॉल है, इसमें रेनफोर्समेंट सरिया नहीं लगाया गया है, इसमें सिर्फ कॉन्क्रीट है, ठीक है, इसको बोलते अपन ग्रेविटी वॉल, ठीक है। देखिए, ये जो बैक फिलिंग है इधर की साइड, ये वॉल है, इधर ये हो सकता है रोड हो, इधर की साइड मिट्टी डली हुई है, तो इस ये वॉल जो अपनी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है, ये इस मिट्टी को पकड़ के रखी है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कॉन्टिलीवर रिटेनिंग वॉल, ठीक है। कॉन्टिलीवर रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट, यानी कि ये रेनफोर्स कॉन्क्रीट से बनी हुई होती है, बनाई जाती है। रेनफोर्स कॉन्क्रीट यानी कि जिसमें सरिया भी लगाओ, स्टील लगाओ, उसको अपन रेनफोर्स कॉन्क्रीट बोलते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ रिलेटिव थिन स्टेम एंड बेस स्लैब, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये ग्रेविटी जो वॉल होती है वो थिकर होती है और ये थिन होती है, ये पतली होती है, ठीक है, उससे, और इसमें बेस स्लैब भी होता है, ठीक है। तो द बेस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द हील एंड टो, जो बेस 2 टाइप में इसमें डिवाइड किया जाता है, एक हील बोलते हैं, एक टॉ बोलते हैं, ठीक है। द हील इज़ द पार्ट ऑफ बेस अंडर द बैकफिल, जो बैकफिल की साइड रहता है, ठीक है, एक स्लेब टाइप डाला जाता है छोटा सा 1 आध मीटर की लेंथ पे, और जो बैकफिल यानी कि जिधर मिट्टी डली होती है, जिधर से मिट्टी अपन को रोकनी रहती है, उधर की साइड वाले को पार्ट को अपन हील बोलते हैं। द टॉ इज अदर पार्ट ऑफ द बेस, टो इधर अपोजिट साइड रहता है हील के, ठीक है। यूज़ मच लेस कॉन्क्रीट देन मोनोलिथिक ग्रेविटी वॉल्स,
बट रिक्वायर मोर डिजाइन एंड केयरफुल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा केयरफुल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, जनरली इकोनॉमिकल अप टू अबाउट 25 फीट इन हाइट, ये 25 फीट के हाइट के लिए बेस्ट रहती है। ये कैन बी प्रीकास्ट इन ए फैक्ट्री और फॉर्म ऑन साइड, ये अपन या तो फैक्ट्री में वो ब्लॉक बना के ला सकते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री से, और ये इसको अपन साइड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिलीवर रिटेनिंग वॉल हो गया। अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्टिलीवर कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ये होती है कॉन्टिलीवर कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। ठीक है, कंक्रीट से बनी हुई होती। अब इधर की साइड जो है ये बैक फिलिंग है, ग्रेवल बैक फिलिंग फॉर ड्रेनेज। ये ग्रेवल यानी कि थोड़े बड़े बड़े पत्थर है जो जिससे पानी पास हो जाता है, इसलिए रखा है इसको ड्रेनेज के लिए। ठीक है, कॉम्पैक्टेड वेट फिलिंग, ये कॉम्पैक्टेड है यानी इसको थोड़ा वाइब्रेट किया गया है। वी फॉल, ये यहाँ पे वी फॉल दिया गया है। ठीक है, और रेनफॉर स्टील, यहाँ पर स्टील दिया गया। और जो मैं बात कर रहा था हील, तो इधर की साइड तो हील होता है ये हील, और इधर की साइड जो है ये टो होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कॉन्टिलीवर कंक्रीट रिटेनिंग वॉल। अब अपन आगे पढ़ेंगे सीट पाइल वॉल। ठीक है, अब सीट पाइल वॉल क्या होता है मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। पहले ये जो ये पाइल लगी है, ठीक है, इसको ज़मीन के अंदर थोड़ा गाड़ा गया है, और ये स्टील की पाइल है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्टील सीट पाइल्स वॉल कंस्ट्रक्टेड बाय ड्रॉइंग स्टील सीट इनटू अ स्लोप और एक्सेलरेशन अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, यानी कि एक पर्टिकुलर डेप्थ पे इनको खोदकर गाड़ा जाता है। ठीक है, ताकि रिटेन हो सके, ये वहाँ पर स्टे रह सके। देयर मोस्ट कॉमन यूज इन इज विद इन टेम्परेरी डीप एक्सकेवेशंस, यानी कि ये टेम्परेरी पर्पस के लिए करी जाती है। ठीक है, दे आर कंसिडर टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल वेयर रिटेंशन ई ऑफ हायर अर्थ प्रेशर ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो सॉफ्ट सॉइल रहती है वहाँ पे बेनिफिशियल रहती है अपन को। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हार्ड सॉइल के अलावा जो सॉफ्ट सॉइल रहती है वहाँ पे अपन को इकोनॉमिकल और बेनिफिट रहती है उसको रिटेंशन करने के लिए, प्रेशर को, हायर अर्थ प्रेशर को रिटेंशन करने के लिए। इट कैन नॉट रजिस्ट वेयर हाई प्रेशर, ये क्या करती है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रजिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब सीट पाइल वॉल्स हो गया, ये देखिए इसका एग्जांपल है, ये सीट पाइल वॉल्स है। ठीक है, ये बैक फिलिंग है, ये इसने सीट पाइल रोक के रखा है। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि एंकर्ड रिटेनिंग वॉल्स। अब एंकर्ड यानी कि उसको होल्ड करके रखना, एक हुक टाइप समझ लो, या फिर एंकर आते हैं उसको अपन उसमें लगा देते हैं, तो वो क्या है वॉल रिटेन हो जाती है। ठीक है, तो फॉर वॉल्स डीप केबल रोड्स और वायर्स आर ड्राइवन डीप साइडवे इनटू द अर्थ, अर्थ के अंदर उसको गाड़ देते हैं। ठीक है, वायर को और केबल को। ठीक है, तो देन द एंड आर फिक्स्ड विद कंक्रीट टू प्रोवाइड एन एंकर। एंकर प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, उसको एंड को कंक्रीट से फिल कर देते हैं ताकि वो रोक सके। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज टाइप बैग्स, इसको टाइप बैग्स भी बोलते हैं। दे वर्क वेन अ थिनर रिटेनिंग वॉल्स इज नीडेड, ये कब काम आती है जब थिनर यानी कि पतली वॉल अपन को चाहिए रिटेनिंग वॉल, और स्पेस इज लिमिटेड इन इंस्टॉल अदर टाइप ऑफ रिटेनिंग, स्पेस अगर अपने पास कम है दूसरी टाइप की रिटेनिंग वॉल अपन नहीं बना सकते, उस टाइम पे अपन एंकर्ड रिटेनिंग वॉल का यूज़ करते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर लूज सॉइल और सॉलिड रॉक्स, ये बहुत इफेक्टिव होती है लूज सॉइल में। ठीक है, दे आर यूजली एम्प्लॉय इन लॉट्स ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वेयर दे यूज देम टू कीप रॉक्स फ्रॉम फॉलिंग ऑन रोड्स बाय एक्सीडेंट, ये क्या होता है ये कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आती है। कहाँ पर? रोड और हाईवे में। ठीक है, वहाँ पर आप जनरली देखना वहाँ पर क्या है एंकर लगे होते हैं ताकि वॉल रिटेन हो सके। ये जो हाईवे या ब्रिजेज जो भी बनते हैं इसमें एंकर्ड रिटेनिंग वॉल्स यूज़ की जाती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए एंकर्ड रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ये हाईवे है, इसको रिटेनिंग वॉल को एंकर्ड किया गया ये एंकर लगा के। ठीक है, ये हाईवे है, ये रोड है, एंकर्ड लगाए गए दिख रहे होंगे आपको अंदर की साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अपन ने ये 4 टाइप्स के रिटेनिंग वॉल्स पढ़ी है और आपको समझ में आएगा। ग्रेटिव रिटेनिंग वॉल्स, कंटिल्यो रिटेनिंग वॉल्स, सीट पाइलिंग रिटेनिंग वॉल्स और एंकर्ड रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।